कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भिलाई में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। दरअसल भिलाई 3 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सेंध लगाए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और ज्ञापन देने थाने पहुंचे। इसी दौरान अत्यधिक भीड़ और नारेबाजी को देखकर पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि शासन प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने अपराध रोकने की बजाय व्यक्तिगत हमले कर रही है। भिलाई में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निश्चित रूप से इसका मैं घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। शासन प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपराध को रोकने के बजाय व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस वक्त कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और आने वाला समय में अगर इसी तरह शासन गुंडाराज स्थापित करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फिर से जन आंदोलन खड़े करेगी। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और कांग्रेस के आरोपों को लेकर कहा कि सरकार क्यों डरेगी, जो भी पुलिस के कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा तो पुलिस भी अपना काम करेगी। सरकार किस बात से डरेगी, डरने का कोई सवाल नहीं है। अब पुलिस तो अपना कार्यवाही करेगी ही, कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। बहरहाल कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अब भविष्य में कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के साथ ऐसी घटना पेश आती है तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव प्रदेश टीवी।